सिंधु नदी के पास नहीं हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। जानिए भारत में प्रागैतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही विकसित माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इसके अवशेष रहस्य का विषय रहे हैं। सिंधु नदी के किनारे पर बसी यह सभ्यता इतिहास के पन्नों में कई तरह के राज लिए हुए है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे विशालकाय सुव्यवस्थित शहर सारी दुनिया में तक मिसाल के रूप में कायम है। विश्व की सबसे प्राचीनतम कही जाने वाली सिंधु सभ्यता को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हजारों शोध किए हैं। इसको शोध में हर बार कुछ न कुछ नया खुलासा जरूर होता है, जो कि हमेशा ही वैज्ञानिकों को उलझने में डाल देता है। इसी तरह से एक शोध ने तो इसके इतिहास को ही बदल कर रख दिया है। आपको बता दें कि इस नए शोध के अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास किसी बहती हुई नदी के आसपास नहीं हुआ था। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा ना। शोधकर्ताओं ने इसके बारे में अध्ययन में सतलज नदी को विलुप्त माना है। शोधकर्ताओं ने शोध में बताया कि यह सभ्यता सिंधु नदी के समीप नहीं बल्कि हिमालय से निकली हुई सतलज नदी के विलुप्त हो जाने पर उत्पन्न खाली क्षेत्र में विकसित हुई थी। जानकारी दे दे कि ये हैरान कर देने वाला शोध भारत तथा ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया है। अब तक दुनिया में माना जाता था कि सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन ये शोध से गलत साबित होता है। आपको जानकारी दे दे कि इस शोध के कारण से इतिहासकार विराद जता रहे हैं कि ये वैज्ञानिक प्राचीन मान्यता को बेकार बता रहे हैं। ये इतिहास से छेड़छाड़ जैसा है।